हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन से पहले आप पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक, जिसमें आपने पढ़ा था लीनियर मोशन, एंड उसके बाद आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन, जिसमें आप एंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जहां पर आपने वेरिएबल्स कंसीडर करे थे, थीटा जिसको आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जो रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन आपका दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट होता है रोटेशनल काइनेमेटिक्स, जिसमें आप सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो आप सॉल्व कर चुके हैं, ये वाला पार्ट आता है। और सेकंड आता है आपके पास रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसके अंदर हम एक नया टर्म पढ़ते हैं, जैसे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यूनिट में आगे बढ़ते जाएंगे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले हमें समझना चाहिए व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब वह बॉडी जिसका शेप टाइम के साथ में चेंज नहीं हो। अगर हम सिंपल टर्म में बोलें कि शेप अगर टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो बॉडी स्ट्रक्चर आपको गिवन है वो इनकम्प्रेसिबल और इनएक्सटेंसिबल है। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूँ, तो मैं इसको प्रेस नहीं कर सकता, कंप्रेस नहीं कर सकता, ना मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बना, रिजिड बॉडी। अगर मैं इसको टी इज़ इक्वल टू जीरो पर इस तरीके से देख रहा हूँ और 10 सेकंड तक अगर इसको देखता रहूँ, तो क्या देखने से इसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। या टाइम अगर इंक्रीज हो गया 0 सेकंड टू 10 सेकंड, तो क्या टाइम इंक्रीज होने से इसके शेप में कोई चेंजेस आया? नहीं आया। तो इस टाइप की बॉडी जिसमें किसी भी दो पेयर्स, जैसे एक पार्टिकल हमने यहाँ कंसिडर किया, एक पार्टिकल यहाँ कंसिडर कर लिया मान लीजिए, ठीक है, तो इन दोनों पार्टिकल्स, ये जो एक पेयर बन गया, इस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या टाइम के साथ में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। यानी व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल्स, कोई से भी दो पार्टिकल्स आप कंसीडर कर सकते हैं पूरे सिस्टम के। हम दो ये कंसीडर कर सकते हैं कि एक टॉप, एक बॉटम पॉइंट, एक मिडिल, एक बॉटम पॉइंट, कोई से भी दो पार्टिकल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। यानी किसी भी पेयर के लिए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल रिमेंस कॉन्स्टेंट विथ टाइम, देन दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नोन एज रिजिड बॉडी। तो इस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। जैसे अगर हम लेकर आते हैं एक लेदर बॉल लेकर आते हैं, तो लेदर बॉल अपना शेप बिल्कुल बनाए रखता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी बजाय एक स्पंज बॉल लेकर आते हैं, तो वो कंप्रेस हो जाता है। तो स्पंज बॉल आपका रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन अगर लेदर बॉल हम कंसिडर करें तो रिजिड बॉडी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एंड बॉडी मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल एंड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल होना चाहिए और ईच पेयर्स के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इस टाइप की बॉडी को हम क्या कंसिडर करते हैं? रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोशन, दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड होता है रोटेटरी मोशन। और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो बन जाता है रोलिंग मोशन, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब, जैसे ये मार्कर इस तरीके से रखा है और आप इसको बिल्कुल एज इट इज इसी डायरेक्शन में सीधे सीधे लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी हर पार्टिकल सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में होता क्या है, केवल पोजीशन में चेंज आता है। केवल किस में चेंज आता है? पोजीशन में चेंज आता है। मान लीजिए यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, किस स्टैंड पर है? टी इज इक्वल टू जीरो पर है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम टी ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया और आफ्टर सम टाइम ये यहां तक आ गया, यानी टी इज इक्वल टू टी सेकेंड पर पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ये इसका फाइनल पोजीशन बन गया, ठीक बात। केवल किस में चेंज हुआ है? पोजीशन में चेंज हुआ है। ये अगर इस तरीके से रखा गया था, ये सिमिलर पैटर्न पे अपने ओरिएंटेशन को, यानी जो इसके पोजीशन है जिस तरीके से रखा है, उसी तरीके से ये बिल्कुल आगे बढ़ा और यहां तक आ गया। इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स थे सबने सेम ही डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि बिल्कुल ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब लीनियर मोशन। इसका मतलब बॉडी के सभी पार्टिकल्स अगर सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं और पार्टिकल की पोजीशन में केवल चेंज आता है, इसके ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आता है, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। सेकेंड मोशन हो सकता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन हम कंसिडर कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रॉड कंसिडर किया और ये इस जगह पर हिंज्ड, ठीक है, ये ऐसे हिंज्ड इस तरीके से।
अब क्या किया आपने, इसको छोड़ दिया। अगर ये यहाँ से हिंज है तो ये फ्री टू रोटेट है, इस तरीके से ये इस तरीके से रोटेट कर सकता है। तो आफ्टर सम टाइम इसका पोजीशन बन गया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। क्या सभी पार्टिकल्स ने सेम डिस्टेंस कवर किया? नहीं किया। अगर हम इस पार्टिकल की बोलेंगे कि यह पार्टिकल तो रेस्ट पर ही रहा, लेकिन इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? यानी हर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, चेंजेस हुआ है पोजीशन में, वो डिफरेंट डिफरेंट हुआ है। और अगर हम कंसीडर करें कि टोटल मोशन किस तरीके का है, तो टोटल मोशन आपका रोटेटरी मोशन है जो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल रोटेट कर गया, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल रोटेट कर गया। तो इस टाइप के मोशन में क्या हुआ, केवल ओरिएंटेशन चेंज हुआ। ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये थीटा एंगल पे रोटेट हो गया, तो इसको आप बोलते हैं कि ओरिएंटेशन चेंज होना। ट्रांसलेटरी मोशन, ये बिल्कुल सीधा सीधा चला, ईच पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स है सबने सेम डिस्टेंस कवर किया, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रोलिंग मोशन, यानी पार्टिकल सीधा भी चल रहा है और घूम भी रहा है, जिसको आप आगे यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमें दो टाइप के मोशन देखने थे, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ओनली पोजीशन चेंज, जिसको आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। रोटेटरी मोशन ओनली ओरिएंटेशन चेंज, जिसको आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। ठीक बात, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है प्योर रोलिंग। नेक्स्ट, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन है क्या, इस बात को हम समझे, ध्यान देना। अ रिजिड बॉडी सेट टू बी इन प्योर रोटेशन, पहली बार बॉडी कैसी होनी चाहिए, रिजिड बॉडी। अ रिजिड बॉडी सेट टू बी इन प्योर रोटेशन इफ एवरी पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, एवरी पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल एंड सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स लाइज ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस या इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन नॉन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, नॉन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मोशन ऑफ द बॉडी कंसिडर्ड एज रोटेशनल मोशन, एंड मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कंसिडर्ड एज रोटेशनल मोशन। समझे वापिस, पहली बात तो बॉडी रिजिड बॉडी होनी चाहिए। रिजिड बॉडी के सभी पार्टिकल्स एक इमेजिनरी लाइन के अबाउट अगर सर्क्यूलर मोशन करें, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है, रोटेशनल मोशन कहा जाता है। और जिस इमेजिनरी लाइन के अबाउट ये मोशन हो रहा है, उस इमेजिनरी लाइन को आप बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस। वापिस एक बार डेफिनेशन पढ़ें, फिर हम इसको डायग्राम से समझते हैं। अ रिजिड बॉडी इज सेट टू बी इन प्योर रोटेशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कल एंड सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स लाइज ऑन एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन नॉन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मोशन ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड एज रोटेशनल मोशन। यानी मान लो हमने एक बॉडी यहां पर कंसिडर किया, ये बॉडी कुछ इस तरीके का है, ठीक है। यहां पर हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर ली, ये इमेजिनरी लाइन हो गया, ठीक। अब इस बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हम कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां पे कोई पार्टिकल कंसीडर किया, फर्स्ट पार्टिकल, यहां हमने कोई पार्टिकल कंसीडर किया, इसको बोल दिया आपने सेकेंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, मतलब जितने भी पार्टिकल्स यहां पर हैं सब इस पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, जिसको आप बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। यानी एक्सिस फिक्स हो गया और जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक सर्कुलर मोशन यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले को कंसीडर करूं, तो फर्स्ट वाले पार्टिकल का जो पाथ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से पाथ बनेगा। थर्ड पार्टिकल को कंसीडर करें तो पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा, और बात समझ में आई। फोर्थ पार्टिकल को अगर हम कंसीडर करें तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी जो फोर्थ पार्टिकल है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस पाथ पर मूव कर रहा है, यानी इस पर्टिकुलर एक्सिस से इसका डिस्टेंस फिक्स हो गया। डिस्टेंस अगर फिक्स है तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो किसी भी रिजिड बॉडी के सभी पार्टिकल्स अगर एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, तो इस टाइप के मोशन को, बॉडी का जो मोशन है उस बॉडी के मोशन को क्या बोला जाता है, रोटेशनल मोशन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक। फिर एक टर्म कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है,
स्पिन के बारे में कि स्पिन क्या होता है। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि बॉल स्पिन होता है, तो बॉल स्पिन होने का मतलब है कि बॉल अपनी सेंटर ऑफ मास वाली से पासिंग जो एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट करता रहता है, उसको आप क्या बोलते हैं, स्पिन करना। मतलब बॉल आगे भी बढ़ती है और घूमती भी जाती है, ठीक है ना। तो स्पिन इज यूज टू डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन ऑफ अ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। यानी किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है, स्पिन होता है। दोनों में डिफरेंस है, इस बात को आप समझना। हमने बोला कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सिस हो सकता है, तो ये जो एक्सिस है वो बॉडी से बाहर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिजिड बॉडी मैंने यहाँ पे कंसीडर किया और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ मान लिया, रिजिड बॉडी मैंने यहाँ कंसीडर किया और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ मान लिया, तो जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर हैं उन सबका डिस्टेंस ये अलग अलग हो जाएगा और ये क्या करने लगेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि रोटेशनल मोशन में रोटेशनल एक्सिस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर ही हो, कहीं पे भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। लेकिन अगर हम स्पिन मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो स्पिन मोशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से पास होना कंपलसरी है, सेंटर ऑफ मास से पास होना कंपलसरी है, ठीक बात। तो एक पॉइंट यहां पर आप मेंशन कर लेना, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी इनसाइड और आउटसाइड, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन लाई इनसाइड और आउटसाइड द रिजिड बॉडी। यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अगर स्पिन की हम बात कर रहे हैं तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट आता है रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड सेकंड आता है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स आप सर्कुलर मोशन में समझ चुके हैं, जहां पर आपने वेरिएबल्स कंसीडर करे थे, फर्स्ट ओमेगा, ओमेगा क्या लिखा था, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फिर आपने कंसीडर किया थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी हमें थीटा ओमेगा अल्फा को डील करना होता है। अल्फा की दो कंडीशंस बन सकती है, अल्फा कांस्टेंट या अल्फा वेरिएबल। अल्फा कांस्टेंट होती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन काम में आती है, अल्फा वेरिएबल होता है तो फिर हमें कैलकुलस यूज करना होता है। नेक्स्ट आता है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स में कुछ वेरिएबल्स आपको मिलते हैं जो न्यू वेरिएबल्स है, न्यू टर्म्स हैं, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब टर्म्स हमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स से। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली आप इसको पूरा की पूरा पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन इज रोटेशनल काइनेमेटिक्स, ठीक है। सेकंड आता है रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसको हम काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल के बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपके पास रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स में दो कंडीशन बन सकती है, अल्फा इज कांस्टेंट एंड अल्फा इज वेरिएबल। अगर अल्फा कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में की जा सकती है, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। एंड फोर्थ इक्वेशन किसी भी एन इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा बाई टू, सॉरी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू टू एन माइनस वन।
यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, सेम सिमिलर इक्वेशन है, थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू टू एन माइनस वन। सेकेंड कंडीशन आता है व्हेन अल्फा इज वेरिएबल। अगर अल्फा वेरिएबल हो तो हमें क्या करना होता है, हमें यूज करना होता है कैलकुलस का, यूज कैलकुलस। कैलकुलस किस तरीके से यूज आता है, फर्स्ट रिलेशन हमें मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डीटी, ठीक। सेकेंड रिलेशन हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डीटी। अब ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी गिवन है इसको हम पुट कर सकते हैं डी थीटा बाय डीटी, यानी अल्फा का एक और फॉर्मूला बनता है डी स्क्वायर थीटा बाय डीटी स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली अगर हम अल्फा को डी थीटा की टर्म में लिखें, किस टर्म में लिखें, डी थीटा की टर्म में, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है, ध्यान देना कि आपने इसको लिखा डी बाय डीटी और ओमेगा को प्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो वैल्यू यहाँ पे बनता है ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये रिलेशन है। और भी रिलेशन अगर हमें मिलता है जब आपको एवरेज या इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना होता है, एवरेज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पर आना चाहिए चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, सो वैल्यू बनेगा थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। सिमिलरली अगर हम इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर रहे हैं सो वैल्यू बनता है डी थीटा बाय डी टी। नेक्स्ट एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, वो में मिलेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, सो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन, ठीक। लेकिन अगर हमें इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो इंस्टेंटेनियस दैट मीन्स पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू सॉल्व होगा डी ओमेगा बाय डी टी से, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमने सर्कुलर मोशन में भी पढ़े हैं और यूज़ किया हुआ है इनको, देखें एक बार। नाउ न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू टू टी क्यू प्लस पॉइंट फाइव, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड। सिंपल कैलकुलस बेस्ड न्यूमेरिकल है बिकॉज ऑफ थीटा आपको गिवन है वो टाइम डिपेंडेंट गिवन, सो वैल्यू ऑफ थीटा इज टू टी क्यू प्लस पॉइंट फाइव। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, सो ओमेगा कैलकुलेट होता है डी थीटा बाई डी टी से। हमें इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है या एवरेज कैलकुलेट करना है, कैसे पता चलता है, अगर आपको दो टाइम गिवन हो टी वन टी टू तो एवरेज सॉल्व करेंगे, कोई पर्टिकुलर टाइम गिवन है तो इंस्टेंटेनियस सॉल्व करेंगे, इंस्टेंटेनियस मतलब डी थीटा बाय डी टी, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करें और वैल्यू पुट कर दें, सो ओमेगा इज इक्वल टू डी बाय डी टी एंड वैल्यू टू टी क्यू प्लस 0.5, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे सो ओमेगा का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा 6 टी स्क्वायर प्लस 0, और ओमेगा कैलकुलेट करना है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, सो 6 इंटू टू स्क्वायर 6 इंटू 4 24, और ओमेगा, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ठीक। फर्स्ट कैलकुलेट हुआ, कोई डाउट नहीं। सेकेंड सॉल्व करना है एंगुलर एक्सीलरेशन, सो एंगुलर एक्सीलरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं दो तरीके से, या तो हमने ओमेगा कैलकुलेट किया है तो डी ओमेगा बाय डी टी परफॉर्म कर दें, या डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, यानी बात सिमिलर ही है कि इसको दो बार हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो बेसिक पैटर्न तो यही रहेगा ना कि एक दो बार डिफ्रेंशिएट करें, या ओमेगा अगर आप सॉल्व कर चुके हैं, ओमेगा का एक्सप्रेशन क्या बना है 60 स्क्वायर, तो ओमेगा आपने सॉल्व कर लिया तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें, सो हम यूज़ कर रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, सो डी बाय डी टी एंड इन प्लेस ऑफ ओमेगा 60 स्क्वायर, सो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो वैल्यू यहाँ पे बनेगा अल्फा इज इक्वल टू 12t, और अल्फा हमें कैलकुलेट करना है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करेंगे तो 12 इंटू 2 यानी वैल्यू बनेगा 24, और यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या दोनों का आंसर आपको सेम मिल रहा है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको आंसर सेम मिल जाए, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं, ठीक है। तो बेसिक रिलेशन हमें यूज करने आने चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पे पूछा गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू था इसलिए आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ वेन इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 600 रोटेशन पर मिनट देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फैन, ठीक बात। क्या दिया है,
हमें दिया है फ्रीक्वेंसी, क्या दिया है रोटेशन पर मिनट, यानी हमें दिया है फ्रीक्वेंसी। क्या सॉल्व करना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से रिलेट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, इसमें कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है, ओमेगा का यूनिट बनता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा पर सेकेंड में, तब वो बन जाएगा हर्ट्ज। ध्यान दें हमें गिवन है 600 रोटेशन पर मिनट, तो 600 रोटेशन पर मिनट, तो पर सेकेंड कितने बनेंगे, डिवाइड बाय 60 कर दें, तो ये वैल्यू बन जाएगा रोटेशन पर सेकेंड। तो वैल्यू ऑफ एफ कितना रहा, 10 रोटेशन पर सेकेंड या 10 हर्ट्ज लिखा जा सकता है। रोटेशन पर सेकेंड हर्ट्ज को ही रिप्रेजेंट करता है, साइकिल पर सेकेंड हर्ट्ज को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो ओमेगा का यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का एक ही यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, बाकी जितने भी यूनिट आते हैं रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर सेकेंड, हर्ट्ज, साइकिल पर मिनट, साइकिल पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। हमें सॉल्व करना है ओमेगा, एफ आपने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू आया 10, पुट करें वैल्यू, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2π × 10 वैल्यू 20π यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, यानी ओमेगा सॉल्व करना है। अब मिनट हैंड कहां मिलता है, क्लॉक में। अब मिनट हैंड का रोटेशन किस तरीके से होता है, इस बात को समझें। मिनट हैंड हर एक आर में कितना रोटेट होता है, मान लीजिए ये स्टार्टिंग में था 12 में, और इन वन आर ये घूम के वापस रोटेट होके कहाँ आ जाएगा, वापस 12 पर ही आ जाएगा, तब जाके हम इसको वन आर कंप्लीट मानते हैं, ठीक है। तो वन आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, कोई डाउट, ठीक। और 60 मिनट्स सेकेंड्स कितने बनेंगे, यानी इसको लिखा जा सकता है 60 × 60, और ये बनेगा सेकेंड। तो ये तो आ गया आपके पास टाइम, कि कितने टाइम में ये अपनी इनिशियल लोकेशन पे वापस आता है। बिकॉज ओमेगा अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा कैलकुलेट करने का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है थीटा बाई टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर हम वन आर कंसीडर करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा यहाँ पर 2π, कोई डाउट, 2π 360 डिग्री एंगल, तो 2π इसका हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, 60 × 60 में। आप चाहते हैं तो आप 30 मिनट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 1 मिनट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो टाइम आप कंसीडर करें, मानो अगर आप 5 मिनट कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर एंगल भी उसी के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा, मतलब 30 डिग्री सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ध्यान दें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, 2π, कितने टाइम में, 60 × 60 मतलब 3600 सेकेंड में। तो मिनट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी कितना बना, पाई डिवाइड बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड। क्या इसी तरीके से आर एंड का और सेकेंड हैंड का भी सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलो, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी वैल्यू हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2θ, देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एट थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दें यहां पर वेरिएबल जो है वो टाइम के टर्म में नहीं है, ओमेगा जो आपको गिवन है वो थीटा के टर्म में दिया है, ठीक। तो अल्फा भी हम थीटा के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, यहां से हमें अल्फा मिल सकता है, अल्फा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो जो ओमेगा का एक्सप्रेशन आपको दिया है, सबसे पहले ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2θ, इससे हम कैलकुलेट कर लें डी ओमेगा बाय डी थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो वैल्यू मिलेगा 2θ + 2, और पुट कर दो ओमेगा डी ओमेगा के प्लेस पर, सो अल्फा ओमेगा ओमेगा का वैल्यू है थीटा स्क्वायर प्लस 2θ, और डी ओमेगा बाय डी थीटा आपने कैलकुलेट किया 2θ + 2, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अल्फा हमें कब कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। तो थीटा को 1 पुट कर दें, सो वैल्यू मिलेगा 1 + 2 एंड 2 + 2, यानी 3 × 4
वैल्यू 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा कैलकुलेट हो गया एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन पे। लेकिन एक्सप्रेशन कौन सा यूज करना है वो हमें गिवन एक्सप्रेशन को देखकर ही समझ में आता है। अगर ये टी की टर्म में दिया होता, इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन होता, तो आप यूज करते डी ओमेगा बाय डी टी। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है तो हमें यूज करना पड़ेगा ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ओके, नेक्स्ट। अ कार इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर। Its speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. Find acceleration of the car. ध्यान से समझे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हो सकता है कि उसके पास दो टाइप के एसिलरेशन हो। एक होता है सेंटीपिटल एसिलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल एसिलरेशन। तो जो नेट एसिलरेशन ऑफ द कार है वो इन दोनों का वेक्टर सम होता है। ठीक बात, ए सी पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, यानी रेडियल एसिलरेशन या सेंटीपिटल एसिलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एसिलरेशन स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम सेंटीपिटल एसिलरेशन सॉल्व कैसे करें। सेंटीपिटल एसिलरेशन आप सॉल्व करते हैं वी स्क्वायर बाई आर से। क्या कार किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कितना रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है? 500 मीटर का। तो रेडियस तो आ गया 500। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड। सो 30 स्क्वायर, सो ए सी पी आपने कैलकुलेट किया 900 बाय 500 विच इज इक्वल टू 9/5। ठीक बात, सेकंड है टेंजेंशियल एसिलरेशन। टेंजेंशियल एसिलरेशन रिप्रेजेंट करता है डीवी बाय डीटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको क्या दिया गया है? इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस टेंजेंशियल एसिलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक, क्या एसीपी और एटी हमने कैलकुलेट कर लिया? नेट सॉल्व करना है तो नेट सॉल्व होगा दोनों के वेक्टर सम से, क्योंकि सेंटीपिटल टुवर्ड्स द रेडियस होता है और जो टेंजेंशियल बनता है वो सर्कमफेरेंस के अलोंग चलेगा। इसका मतलब एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री और वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ए सी पी स्क्वायर 9/5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इन अंडर रूट, यानी 81/25 प्लस 4 इन अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो 25 एलसीएम आएगा, 25 इंटू 400 यानी 181/25। ये हमें आंसर मिल गया। सो नेट एसिलरेशन ऑफ द कार इज 181/25 अंडर रूट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल गिवन है, सेंटीपिटल गिवन है, दोनों का नेट नेट एसिलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, अ 500 किलोग्राम कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड सेंटीपिटल फोर्स। अब सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो सेंटीपिटल फोर्स हमें कब मिलेगा? जब बॉडी के ऊपर सेंटीपिटल एसिलरेशन लगेगा। तो सेंटीपिटल एसिलरेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाए? सेंटीपिटल एसिलरेशन का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर। क्या वी हमें गिवन है? देखो 10 मीटर पर सेकेंड। क्या रेडियस हमें गिवन है? 50 मीटर डिवाइड बाई 50। सो ए सी पी कैलकुलेट हुआ 100/50 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है? सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स यानी मास मल्टीप्लाई बाय सेंटीपिटल एसिलरेशन, यानी वैल्यू बनता है एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो एम वी स्क्वायर बाई आर से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हमने पहले एसिलरेशन सॉल्व किया है और मास आपको पहले से गिवन है ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट आप एम वी स्क्वायर बाई आर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। मास कितना है? 500 किलोग्राम। एसीपी कितना आया? 2 आया। तो नेट सेंटीपिटल फोर्स कितना लगेगा? 1000 न्यूटन का फोर्स रहेगा। आई बात समझ? कोई डाउट? नेक्स्ट, हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें पार्टिकल ए रेस्ट कंडीशन पर है और पार्टिकल ए से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल बी है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए।
ठीक बात। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बनता है वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। क्या फॉर्मूला बनता है? वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर, ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। ठीक है, क्या सॉल्व करना है? बी विद रेस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए हमें। क्या परपेंडिकुलर वेलोसिटी का मतलब ये है कि ये जो सेपरेशन आपको दिया है इसके परपेंडिकुलर में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आ रहा है, ये इसके वी परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। कितना बनेगा बता सकते हैं? देखो यहाँ पे ये एंगल कितना, थीटा। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है ना, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा, बिकॉज वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर यहाँ एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। ठीक, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो दिस वन इज 90 डिग्री। ठीक, तो जो रिक्वायर्ड एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, ये एंगल बनेगा आपका 90 माइनस थीटा, जो रिक्वायर्ड है। अब थीटा की डायरेक्शन का कंपोनेंट कॉस थीटा होता है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा बनता है। या यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो वी परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू बनेगा वी कॉस 90 माइनस थीटा, और वी कॉस 90 माइनस थीटा भी वी साइन थीटा को ही रिप्रेजेंट करेगा। या आप थीटा से भी देख सकते हैं कि वी का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ रहा है। वी का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वी कॉस थीटा, तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा, वी साइन थीटा। मतलब वी परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें मिला वी साइन थीटा। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन, वो फिक्स रहेगा आर, यानी डब्ल्यू बी ए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए आपने कैलकुलेट कर लिया वी साइन थीटा बाई आर से। तो न्यूमेरिकल इजी होता है, कॉन्सेप्ट से हमें चलना होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर, कॉन्सेप्ट यूज किया, आंसर सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट इज रोटेशनल डायनेमिक्स, एंड रोटेशनल डायनेमिक्स में फर्स्ट टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बिहेवियर रोटेशनल डायनेमिक्स में सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से मास का बिहेवियर था। हमने इनर्शिया पढ़ा था एनएलएम के अंदर, इनर्शिया आपने बोला था कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट में चेंज का अपोज करता है, यानी अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट कंडीशन में तो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। सिमिलर बिहेवियर आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मिलता है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट चेंज इन इट्स रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन, यानी अगर वो रोटेशनल कंडीशन में है तो रोटेशनल कंडीशन में ही रहेगा, और अगर रेस्ट कंडीशन में तो रेस्ट कंडीशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो। जिस तरीके से हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में एनएलएम में मास, तो मास का एनालोगस यहाँ पे बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली लीनियर मोशन में आपने पढ़ा था फोर्स, तो फोर्स का एनालोगस बनता है टॉर्क। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनर्शिया की स्टेट में, इनर्शिया की स्टेट में चेंज आता है, या तो वो रेस्ट में रहता है तो रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट पर आ सकता है। सिमिलरली हम रोटेशनल मोशन में अप्लाई करते हैं टॉर्क, क्या अप्लाई करते हैं टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट चेंज इन इट्स रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन, या तो अगर रोटेटिंग कंडीशन में तो रोटेटिंग कंडीशन में ही रहेगा, अगर स्टेबल कंडीशन में तो स्टेबल कंडीशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बनता है। सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, ध्यान दें, हमने यहाँ पर एक रोटेशनल एक्सिस कंसिडर किया, रोटेशनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसमें एक एम मास का पार्टिकल आर डिस्टेंस पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अगर ये ओमेगा से रोटेट करेगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बनेगा। ठीक है, और हमने माना कि ये वी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, पार्टिकल यहाँ पर है और ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। इसका मतलब जो वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनेगी वो आपको माइनस के में दिखेगी अंदर जाती हुई। ठीक है ना, यानी वी आर और ये एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर है। तो सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, वैल्यू बनता है एम आर स्क्वायर। क्या वैल्यू बनता है? एम आर स्क्वायर।
तो आर रिप्रेजेंट होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आई का आया कहाँ से, इसको भी आप समझे। मानो अगर मैं इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है? काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और वी को क्या लिखा जा सकता है? वी को हम लिख सकते हैं आर ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म क्या रहा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, अब यहाँ ध्यान देना एम आर स्क्वायर को हमने एक साथ कर लिया, ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मिला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आई रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जिसका वैल्यू सिंगल पार्टिकल के लिए कितना बना, एम आर स्क्वायर। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, यहीं से जनरेट हुआ है। यानी अगर एक सिंगल पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर वी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो वैल्यू बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम आर स्क्वायर। यूनिट क्या बनेगा? देखो मास का यूनिट, यूनिट की अगर हम बात करें एसआई सिस्टम में, तो मास आता है किलोग्राम में, डिस्टेंस आता है मीटर में, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सीजीएस में अगर हमें डील करना है तो वैल्यू बनेगा किलोग्राम के प्लेस पर ग्राम और मीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर वैल्यू रहेगा एम आर स्क्वायर सिंगल पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर कोई सिस्टम मिल जाए, यानी अगर आपको कोई रिजिड बॉडी दी गई, तो रिजिड बॉडी में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनमें से कुछ पार्टिकल्स आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिए, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अगर मुझे कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी एल्जेब्रिक सम होना चाहिए। तो पहले पार्टिकल का कितना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आर वन, मास एम वन, तो आप यहाँ पे लिखोगे एम वन आर वन स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल के लिए कितना, मास m2 डिस्टेंस r2, तो m2 r2 स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल के लिए मास m3 डिस्टेंस r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से चला जा रहा है। मतलब अगर आपको कोई डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम दिया है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मतलब बहुत सारे सिंगल, एक तो सिंगल पार्टिकल हो सकता है, एक डिस्क्रीट पार्टिकल हो सकता है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिए गए हैं जो अलग अलग पोजिशन पे रखे हुए हैं, लेकिन एक सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से, आई इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन। एक जनरल टर्म में क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म में लिखा जा सकता है कि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा सम, सम किसका करें, आई का वैल्यू वन से एन तक लिया जाए। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके लिए हम इंक्रीज करते जाएंगे। और ये जो साइन है सिग्मा का, सिग्मा साइन रिप्रेजेंट करता है समेशन को, एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पर लिखेंगे आप एम आई आर आई स्क्वायर। जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिख रहा हूँ तो वैल्यू बनेगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस, फिर आई का वैल्यू वन से एन तक इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर मानो तीन ही पार्टिकल है तो आई इज इक्वल टू वन टू थ्री, ठीक है ना। तो पहले आई का वैल्यू वन रखेंगे तो एम वन आर वन स्क्वायर, फिर टू रखोगे एम टू आर टू स्क्वायर, थ्री रखेंगे एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, और सबका एल्जेब्रिक सम। तो अगर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम आपको गिवन है तो हमें यूज करना होगा एम आई आर आई स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, या सिंपल पैटर्न में देखें तो जितने ही पार्टिकल गिवन है सबका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया जाए, सबको सम कर लिया जाए। यूनिट अभी भी रहेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक बात। इसके बाद आता है कंटीन्यूअस बॉडी। कंटीन्यूअस बॉडी का मतलब है कि आपको जैसे मान लीजिए कोई रॉड दिया हुआ है, कोई स्फीयर दिया हुआ है, रिंग दिया है, डिस्क दिया है, यानी जो बॉडी है उसके अंदर आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी जो डिस्क्रीट मास सिस्टम है इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उनको आप कंसिडर नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी बॉडी को ही कंसिडर करना पड़ेगा, पूरी बॉडी को ही कंसिडर एक साथ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी हम स्टेज किस पे दे रहे हैं, अभी हम स्टेज दे रहे हैं कि सिंगल पार्टिकल और डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। एक बार अगर हम ये समझ लेंगे उसके बाद फिर हम कंटीन्यूअस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर आ जाएंगे, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंसी किस पर आती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला जो आपने लिखा है, बेसिक फॉर्मूला बना है एम आर स्क्वायर, यानी डिपेंड किस किस पे कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो मास पे डिपेंड करता है,
आर यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक, और किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। किस तरीके से डिपेंड करेगा, मान लीजिए ये तो हमने लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, एक पार्टिकल आपने कंसीडर किया जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर है, दूसरा पार्टिकल आपने कंसीडर किया जो किसी थीटा एंगल पर है। अब अगर आपसे पूछा गया कि पहले पार्टिकल का, एम मास वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो आप आंसर दोगे एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि सेकेंड पार्टिकल जो एम वन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अब हम आर वन कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आपको कौन सी लेनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। तो R1 का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा, R1 sin साइन थीटा कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रही, R1 sin साइन थीटा, ठीक, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा, M1 R1 sin साइन थीटा होल स्क्वायर, M1 R1 sin साइन थीटा होल स्क्वायर। इसका मतलब डिपेंडेंसी किस पर आ रही है, पहली बात तो पोजीशन पे डिपेंडेंसी आ रही है कि किस जगह पे रखा हुआ है, सेकेंड ओरिएंटेशन पे भी डिपेंडेंसी आ रही है कि ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी किस तरीके से कितने एंगल पर मास रखा है, परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस पर रखा है तो आप डायरेक्टली पुट करेंगे, लेकिन अगर कोई एंगल बन रहा है तो फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा मास का, उसके बाद आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं एम वन आर वन स्क्वायर एम आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। थर्ड किस पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करेगा, जैसा कि हम कंटिन्यूस बॉडी के लिए समझेंगे। फॉर्मूला क्या बना है, आर स्क्वायर डी एम, यानी कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। तो जो मास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी डिपेंडेंसी तीन चार पैरामीटर्स पर आती है। पहला कि मास किस तरीके से रखा हुआ है, किस पोजीशन पर रखा है, ओरिएंटेशन क्या है, कितना मास है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, ठीक है। तो इन पे डिपेंडेंसी आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किए जाए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी होता है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए, कि ईच पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से सॉल्व करें, बाद में सबको सम कर दिया जाए। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, तीन पार्टिकल। क्या तीनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, बिल्कुल सेम है। ये जो येलो कलर में दिया है आपको एक्सिस वाई वाई डैश, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तीन पार्टिकल्स रखें तो तीनों यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। और एक ही एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन सभी पार्टिकल्स का, इसका मतलब ये जो कंप्लीट सिस्टम है ये एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, कंप्लीट सिस्टम एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट, तो फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना, 2 किलोग्राम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, 1 मीटर। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा, एम आर स्क्वायर प्लस, सेकेंड पार्टिकल का मास कितना है, 3 किलोग्राम, और डिस्टेंस कितना दिया है, 2 मीटर। तो वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 and 2 स्क्वायर एम आर स्क्वायर, क्लियर। थर्ड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल का मास 1 किलोग्राम और डिस्टेंस 3 मीटर, सो 1 mr² 3 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करी, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे किलोग्राम मीटर दिया तो यूनिट भी आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 × 4 = 12 + 1 × 9 = 9 and 14 + 9 = 23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू रहा 23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, हर पार्टिकल का इंडिविजुअल कैलकुलेट करें, अल्जेब्रिक सम परफॉर्म कर दें, ठीक बात। नेक्स्ट देखें, वापिस आपको तीन पार्टिकल्स दिए गए, m, 2m, 3m, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है 2m से। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, 2m से पास हो रहा है, और m और 3m का डिस्टेंस आपको गिवन है l और l। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट अगेन हमें करना है कि y y डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, y y डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। तो जितने भी पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं उन सब का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, तो ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से m मास का डिस्टेंस कितना है l, तो m मास के पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, m l स्क्वायर। सेकेंड 2m मास का जो पार्टिकल है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या डिस्टेंस है, 0।
यानी अगर कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है तो उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। कोई पार्टिकल अगर एक्सिस पे ही लाई करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा? जीरो। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा? वो भी जीरो बनेगा। अब बताओ 3m पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? एल है, तो आंसर क्या बनेगा? 3mL². क्या नेट मिला? देखो ध्यान से। सो आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस जीरो प्लस 3mL². तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 4mL². क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पार्टिकल्स दिए गए हैं 1 किलोग्राम 4 किलोग्राम के, जिनकी पोजीशन आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है अबाउट वाई वाइडेश एक्सिस, ठीक है? तो मुझे बताओ वाई वाइडेश एक्सिस से 1 किलोग्राम का डिस्टेंस कितना है? देखो वाई वाइडेश के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स इज इक्वल टू 100। 1 किलोग्राम का पार्टिकल कहाँ रखा है? 20 सेंटीमीटर पर। तो यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना रहेगा? 80 सेंटीमीटर। और 80 सेंटीमीटर को इन टर्म्स ऑफ मीटर क्या लिखोगे? 0.8 मीटर। सिमिलरली 4 किलोग्राम का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? कोऑर्डिनेट है 70 और 100, मतलब डिस्टेंस रहेगा 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को वी कैन पुट 0.3 मीटर, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। उन जिस कोऑर्डिनेट पे वो रखें उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इस बात से है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ठीक बात? तो फर्स्ट जो पार्टिकल है 1 किलोग्राम का, उसका डिस्टेंस कितना? 0.8। क्या लिखोगे? 1.8 स्क्वायर m1r1 स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल कितने किलोग्राम का है? 4 किलोग्राम का, और सेपरेशन कितना है? 0.3। क्या लिखा जाएगा? 4.3 स्क्वायर, ठीक? सो आई वाई वाई डिश इज इक्वल टू 0.64 प्लस 4 × 0.09, 9 × 4 36 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 0.64 प्लस 0.36 दोनों को सम किया, वैल्यू 1 यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है? और क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल आप लिखें कि आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 2, दो ही पार्टिकल हैं तो एम आई आर आई स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखा m1r1 स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल के लिए लिखा m2r2 स्क्वायर। ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देख, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसके सभी वर्टेक्स पर मास प्लेस्ड है m एंड साइड हमें गिवन है r। अब कुछ एक्सिस में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं और इन पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट एक्सिस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो कुछ इस तरीके से है। ये फर्स्ट एक्सिस है, ठीक है? तो इस फर्स्ट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा? I1। ध्यान से समझना, ये जो पार्टिकल है क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है? तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? जीरो। अब अगर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ऑब्वियस बात है कि इधर डिस्टेंस कितना बनेगा? r/2। इधर भी डिस्टेंस कितना बनेगा? r/2। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहा इस मास का? r/2। थर्ड मास का ये भी r/2। क्या लिखा जाए? I1 फर्स्ट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले मास के लिए तो सेपरेशन रहेगा जीरो, सेकेंड मास के लिए सेपरेशन बना r/2, और थर्ड मास के लिए सेपरेशन बना ये भी r/2 स्क्वायर। तो I1 कितना? mr² / 4 प्लस mr² / 4 यानी 2 mr² / 4। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिला mr² / 2। कौन सी एक्सिस के अबाउट? फर्स्ट एक्सिस के अबाउट। फर्स्ट एक्सिस आपने कहां से पास किया? कुछ इस तरीके से पास किया। देखो और कोई एक्सिस हम बना सकते हैं,
मान लीजिए हमने सेकंड एक्सिस यहाँ से बनाया, जो पिंक में बन रहा है ये सेकंड एक्सिस है, ठीक। अब ये सेकंड एक्सिस इन दोनों मासेस से पास हुआ है, ठीक। तो आई टू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कितना मिलेगा, आई टू इस मास के अकॉर्डिंग कितना, देखो अगर पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। तो इस पर्टिकुलर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा एम मल्टीप्लाई बाय जीरो स्क्वायर। इसके लिए देखो ये भी सेम पे लाई कर रहा है, तो एम मल्टीप्लाई बाय जीरो स्क्वायर। थर्ड हमें देखना पड़ेगा और ये डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ तक का। तो इस ट्रायंगल को आप बाहर निकालो, ध्यान से देखना ये कितना है आर, ये एंगल कितना 90, ये डिस्टेंस कितना आर बाई टू। सॉल्व किया जा सकता है क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर, ट्रायंगल रूल अप्लाई करो, बिकॉज 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं बाई यूजिंग हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो वैल्यू बना 3r स्क्वायर बाई 4 इन अंडर रूट, और डिस्टेंस आ गया रूट 3r बाई 2। यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से यहाँ तक का ये कितना बन रहा है रूट 3r बाई 2। तो ये डिस्टेंस आ गया रूट 3r बाई 2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और थर्ड पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें इसी डिस्टेंस को कंसिडर करना पड़ेगा, 0 0 एंड आई टू का वैल्यू 3mr स्क्वायर बाय 4। आई बात समझ, तो ये वैल्यू हमें मिल गया, आई वन आ गया आई टू आ गया। तो इसी तरीके से कहीं पे भी एक्सिस दिया हो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मानो इसी में थर्ड एक्सिस हम कंसीडर करें, इसी का थर्ड पार्ट, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन था, मासेस वर्टेक्स पे प्लेस्ड हैं एम एम एंड एम, सेपरेशन आपको गिवन है आर, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है ध्यान से समझना इसके सेंटर से पास हो रहा है और के कैप में, मतलब एक्सिस को जिस तरीके से अब इस एक्सिस के अबाउट ये तीनों मास क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट मतलब आई थ्री, ये थर्ड एक्सिस है, तो थर्ड एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें, यानी ये जो डिस्टेंस है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इस ट्रायंगल को आप बाहर निकालो, ठीक बात। ये डिस्टेंस है आर बाई टू, ये हमें कैलकुलेट करना है, टोटल एंगल बनता है इक्विलेटरल एंगल में 60 डिग्री, तो यहाँ पे इंडिविजुअल एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल है 30 डिग्री, बिकॉज दो लाइंस के बीच का एंगल होता है 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री, ठीक बात। क्या क्या रिलेट कर सकते हैं, कॉस से रिलेट हो सकता है, कॉस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू आर बाई 2 एक्स। तो एक्स कितना मिला हमें, एक्स हमें मिल गया आर बाई रूट 3। और इस बात को ध्यान रखा जाए कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया गया है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है आर बाई रूट 3। यानी जितने भी आपको सेपरेशन दिए गए हैं इन सबका वैल्यू कितना है, आर बाई रूट 3 है। तो तीनों पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेपरेशन रहा आर बाई रूट 3। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे, एम आर बाई रूट 3 स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल के लिए कितना लिखेंगे, एम आर बाई रूट 3 स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल के लिए कितना लिखोगे, एम आर बाई रूट 3 स्क्वायर। तीनों को जोड़ दो तो एम आर स्क्वायर बाई 3 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड एक्सिस के अबाउट कितना मिल गया, एम आर स्क्वायर। यूनिट लिखना है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट, कोई डाउट, समझ में आया, नेक्स्ट देखें। येलो कलर में आपको एक्सिस दिया हुआ है वाई वाई डैश, जो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तीन पार्टिकल्स आपको गिवन है जिनकी नंबरिंग मैं कर देता हूं ताकि हमें इजी रहेगा समझने के लिए। दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकेंड पार्टिकल एंड दिस इज थर्ड पार्टिकल।
क्लियर? क्या करना है? अगेन नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करना है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको कैलकुलेट करना है वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट, तो आपको चाहिए एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिस्टेंस है वो एक्सिस से मिनिमम होना चाहिए, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिनिमम डिस्टेंस। तो फर्स्ट पार्टिकल अगर आप देख रहे हैं तो डिस्टेंस आपको डायरेक्ट दिया है कितना, 10। तो यूज करोगे 10, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्टिकल कौन है 5 किलोग्राम का। अब डिस्टेंस क्या लिखी जाए, ध्यान से देखो, 4 का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा, ध्यान दें। और हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। क्या लिखोगे इसको, ये डिस्टेंस रहेगी 4 sin 30, और 4 sin 30 का मतलब 2 meter, यानी r2 कितना आया 2 meter आया। कैसे सॉल्व किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला 2 meter। क्या लिखें, 5 into 2 स्क्वायर, थर्ड मास कितने किलोग्राम का 2 का, डिस्टेंस r3। तो अगेन हमें क्या चाहिए, इस 20 का कंपोनेंट चाहिए जो मिनिमम डिस्टेंस यहां पे प्रोवाइड करे, हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक बात। तो 20 का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट, यानी ये कंपोनेंट रहेगा 20 cos थीटा, और दिस वन विल बी 20 साइन थीटा, यानी 20 sin 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, तो वैल्यू कितना बनेगा 10√3, ठीक, यानी r3 कैलकुलेट हुआ 10√3, 10√3 स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व कर लें, 4 into 100 प्लस 5 into 4 प्लस 2 into 300, 400 प्लस 20 प्लस 600, टोटल आंसर आ गया 1020 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक बात। अगेन इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने सॉल्व किया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर मतलब मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए।